प्रशांत जी इस बिहार के लिए एक अंतिम प्रयास है, इतना जान लीजिए। बिहार के लिए अगर कोई उभर के आया है, बिहार अगर नहीं चाहिए तो दुर्भाग्य होगा बिहार का। बिहार का काया पलट करने, बिहार का काया पलट करने के लिए प्रशांत किशोर जन्म लिए हैं और आए हैं और कार्य कर रहे हैं। बिहार में 19 बताए जा रहे एमएलए हैं मुस्लिम समुदाय के, अगर होने चाहिए तो 40 होने चाहिए जितनी जनसंख्या है। लेकिन पार्टी ने क्या किया है, आज तक ये आरजेडी के होते थे या थोड़े बहुत जदयू में, तो आरजेडी ने जो एमवाई समीकरण कहता था वो एमवाई समीकरण नहीं है। जब एम वाई को एम की जरूरत थी तो वोट लेता गया है वाई ने एम का, और जब एम को जरूरत पड़ी है वाई की तब वो हिंदू और मुस्लिम की बात करना शुरू कर दिया। नमस्कार, स्वागत है आपका सोशल बिहार में। मैं हूं आपके साथ विशाल। अभी हम मौजूद हैं पटना में बापू सभागार के बाहर। पीछे हमारे पोस्टर होर्डिंग लगा है जनसुराज का। दरअसल आज बापू सभागार में कार्यक्रम रखा गया था, मुस्लिम लीडरशिप कॉन्फ्रेंस, जिसमें कि तमाम मुस्लिम समाज के लोगों को बुलाया गया था और उनको 2025 में कैसे उनको सत्ता दिया जाएगा या फिर क्या कुछ भागीदारी मिलेगी, इनको लेकर के प्रशांत किशोर तमाम लोगों से बातचीत किया। हमारे साथ कई सारे अल्पसंख्यक समाज के लोग मौजूद हैं। क्या नाम हुआ और क्या बातें हुई प्रशांत किशोर से, क्या कहा गया? देखिए, आज की जो एक दिवसीय मीटिंग थी, उस मीटिंग में सबसे पहले तो जो संख्या के आधार पे बिहार में मुस्लिम समुदाय की जितनी संख्या है, उस संख्या के आधार पे उन्हें विधानसभा में उम्मीदवारी के लिए भी, और आज तक जो पार्टियां एमवाई समीकरण बनाते आई है और इनको बहला के लूटते आई है, इनका वोट ली है, इनका शोषण की है, इस मुद्दों पे बात किया है उन्होंने। तो क्या कहा उन्होंने कि सब टिकट अभी को दे देंगे? नहीं, सब टिकट क्या, जितनी इनकी संख्या है उतनी भागीदारी होगी। और एक चीज आपको बता दें कि नियमतः अभी बिहार में 19 बताए जा रहे एमएलए हैं मुस्लिम समुदाय के, अगर होने चाहिए तो 40 होने चाहिए जितनी जनसंख्या है। लेकिन पार्टी ने क्या किया है, आज तक ये आरजेडी के होते थे या थोड़े बहुत जदयू में, तो आरजेडी ने जो एमवाई समीकरण कहता था वो एमवाई समीकरण नहीं है। जब एम वाई को एम की जरूरत थी तो वोट लेता गया है वाई ने एम का, और जब एम को जरूरत पड़ी है वाई की तब वो हिंदू और मुस्लिम की बात करना शुरू कर दिया है। तो इन्होंने आज तक शोषण किया है मुस्लिम समुदाय का, राजद ने शोषण किया है, पक्का किया है शोषण किया है। प्रशांत किशोर, आप लोगों को हक अधिकार देंगे? अरे भैया, प्रशांत जी इस बिहार के लिए एक अंतिम प्रयास है, इतना जान लीजिए। बिहार के लिए अगर कोई उभर के आया है, बिहार अगर नहीं चाहिए तो दुर्भाग्य होगा बिहार का। बिहार का काया पलट करने, बिहार का काया पलट करने के लिए प्रशांत किशोर जन्म लिए हैं और आए हैं और कार्य कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने क्या क्या बातें कही मुस्लिम समाज के लोगों को, कितना प्रतिशत वो टिकट मिलेगा, क्या कुछ कहा है? तो आप तो अंदर में होंगे, क्या कुछ बातें बताई गई? बहुत अच्छी बातें उन्होंने बताई है, एमओआई से संबंधित भी बात बताई है। जैसे सर कुणाल सर ने जो भी हम लोग सामने रखे हैं बात बिल्कुल सत्य है। और एमओआई क्यों और क्यों नहीं, राजद को उनको टारगेट करना मेन मकसद था क्या? टारगेट करना इसलिए मकसद था कि राजद को एम का हमेशा सहयोग मिला है और फायदा कुछ नहीं है, इसलिए इस पार्टी ने इस बार यह तय की है कि हम इस बार मुसलमान समुदाय के लोगों को अधिक से अधिक सीट देकर और इसमें जीत हासिल कराने की। देश में मुसलमानों के प्रति जो नफरत फैलता जा रहा है, उस नफरत को लेकर के प्रशांत किशोर ने कुछ कहा है कि नफरत को कैसे खत्म करना है, क्या कुछ करना नफरत है? नफरत को खत्म करने के लिए सभी समुदाय को एक पटरी पे लाकर और सभी समुदाय को उसके कैटेगरी के हिसाब से, उसके संख्या के हिसाब से उसको सीट दिया जाएगा, तब जाके है ना देश से है ना। लेकिन ये भी तो बात समझने वाली बात है कि जो आपको कह रहे हैं कि हक अधिकार देंगे, लेकिन जब इनको पूछा जाता है सवाल कि मुस्लिमों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, मुस्लिमों को चुन चुन करके मारा जा रहा है भाजपा शासित राज्यों में, लेकिन आपको इसको लेकर के आपने एक बार भी कोई सवाल नहीं किया है, ना तो कुछ उन्होंने बोला है, तो इस पर स्टैंड क्या है उनका, आपने पूछा इसको लेकर के? उनसे फेस टू फेस तो हमारी बात नहीं हुई, लेकिन उन्होंने जो भी मंच से जो भी बात हुई अच्छा लगा उनके विचार। इसको लेकर के बात है मुस्लिम के खिलाफ जो
लगातार प्रताड़ना हो रही है, नफरत बढ़ता जा रहा है, मुस्लिम का टोपी देख करके पहचाना जा रहा है, मुस्लिम का नाम देख करके उनका काम नहीं किया जा रहा है, इन सब चीजों को लेकर बात नहीं हुई? बात तो बिल्कुल हुई है, लेकिन फेस टू फेस जब हम लोगों से बातचीत होगी तो इस पर हम मुस्लिम समाज के लोगों को बुलाया गया तो आप कैसे बात कीजिएगा? बिल्कुल तो हिंदू था नहीं, अल्पसंख्यक समाज के लोग थे, प्रत्येक व्यक्ति जो यहाँ रहनुमा जो होंगे उसमें उनको आवाज उठाना चाहिए ना, इसमें इसमें इस महफिल में तो उठाया नहीं जा सकता है ना। ये बात आपको नहीं पता है कि देश में किस तरीके से मुस्लिमों के खिलाफ नफरत बढ़ता जा रहा है? इस मैटर को तो पर्सनली कहीं एक जगह बैठ के ना उठाया जा सकता है, इस सभा इस सभा में सभी लोग तो नहीं उठा सकते हैं ना। हाँ, इसके लिए अलग से सभा बुलाई जानी चाहिए। बिल्कुल। हाँ, क्या चाचा क्या देख रहे हैं आप? प्रशांत किशोर एक उभरते हुए नेता के रूप में उभर रहे हैं, लेकिन बिहार समेत पूरे देश में मुस्लिमों के खिलाफ जो उत्पीड़न हो, नफरत का जो एक बीज है वो बोया जा रहा है, तो ये तो इनकी आगाज है। लेकिन आगाज है तो इनका बातों से ऐसा कुछ लगता नहीं कि आगाज है तो कुछ होगा अंजाम नहीं, बहुत जो बात है बहुत अच्छा होगा। क्या बात है? ये बापू के रास्ते पर ले चलना चाहते हैं, समाज बापू के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, लेकिन कई सारे मुद्दे हैं इन पर ये बोलते नहीं हैं। जैसे आपने हमने बताया कि मुस्लिमों के मुद्दे पर बोलते नहीं हैं, इन्होंने कभी नहीं कहा कि हम इतना टिकट देंगे, क्योंकि इनको लगता है कि हम मुसलमानों को टिकट देंगे तो हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। उन्होंने नहीं, उनका बोलना है, उन्होंने सुना, उन्होंने बतलाया कि मैं मुसलमानों को भागीदारी दूंगा और मुसलमानों का जो आबादी है, आबादी के हिसाब से यहाँ विधानसभा में 40 MLA मुसलमानों का होना चाहिए। हाँ, जिसमें अभी 19 MLA ही विधानसभा में है, वो 40 बनाएंगे MLA। हाँ, और इनका ये भी कहना है कि अगर कोई पार्टी छलावा करती है कि हम मुसलमान के साथ हैं, तो उन्होंने ये भी कहा कि अगर RJD जहाँ टिकट देती है मुसलमानों को, वहाँ पर हम अपने किसी कैंडिडेट को हम नहीं देंगे, उसको हम समर्थन कर देंगे जी। ये कहा उन्होंने? हाँ, ये कहा राजद अगर मुस्लिमों को टिकट देती है तो वहाँ पर अपना कैंडिडेट हम नहीं उतारेंगे, मुस्लिम कैंडिडेट नहीं, मुस्लिम कैंडिडेट हम नहीं देंगे, मुस्लिम हाँ कोई भी कैंडिडेट नहीं देंगे वहाँ पर। ये उनकी भागीदारी है वहाँ पर, सुना नहीं। लेकिन मुस्लिमों के खिलाफ नफरत जो बढ़ता है उसको कुछ नहीं बोला? तो बहुत बोले, उन्होंने क्लियर कर दिया कि हम बापू के रास्ते पर हम चलना चाहते हैं और ले चलना चाहते सत्य और अहिंसा पर। बापू के रास्ते पर चल रही है देश, ये बताइए। हाँ, तो उसमें उन्होंने कहा कि इसमें जो है कि हम मुसलमान को भी ऑर्गेनाइज करेंगे और जो सेकुलर हिंदू है, जो बाबा साहेब अम्बेडकर और इस रास्ते पर जो चलने वाले जो लोग हैं उनको हम अपने एक साथ लाएंगे और उतना मिला करके हम अपना MLA को हम अपना जिताएंगे। उन्होंने भी कहा कि अभी हमारी पार्टी बनी नहीं है, समझ नहीं, 2 अक्टूबर को बनेगी। हाँ, 2 अक्टूबर को हम घोषणा करेंगे और लोगों के राय विचार से करेंगे और जो भी टिकट देने का बात होगा तो आपका टिकट का बंटवारा जो है जो खुद आपको करना है कि आपके लिए कौन सफिशियंट होगा। ठीक है, आप क्या बताइए, क्या बातें हुई, क्या अंदर में बातचीत हुई? मुस्लिम कॉन्फ्रेंस था अल्पसंख्यक समाज के लोगों को लेकर। प्रशांत किशोर का क्या एक पूरा स्ट्रेटेजी है मुस्लिम समाज को साधने को लेकर के, उनको टिकट देने को लेकर के, और देश में जो लगातार मुस्लिमों के खिलाफ नफरत बढ़ता जा रहा है, फैलता जा रहा है, आप देख पा ही रहे होंगे नाम से कपड़े से कैसे पहचानने की कोशिश की जा रही है, तो क्या उनका कहना है कि जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी। इसी पैटर्न पर वो काम कर रहे हैं और इसी पैटर्न पर हम लोग उनके साथ हैं। तो कितना आप लोगों को टिकट देंगे विधानसभा में? 40 टिकट देंगे। 40 टिकट देंगे। कहाँ से देंगे इसे बातें कुछ? ये अभी तय नहीं हुई है, जब पार्टी बनेगी उसके बाद 40 टिकट देंगे। जी, उन्होंने कहा है कि 40 विधायक होने चाहिए। जी, तो फिर हिंदू मुस्लिम होने का डर नहीं है? नहीं, कोई डर नहीं है। जहाँ पर हम मुस्लिम को देंगे फिर हिंदू वोट नहीं करेगा? ऐसा डर नहीं है, बिल्कुल डर नहीं है ना। अच्छा, देश में अभी क्या चल रहा है? आपको मालूम है देश में कितना नफरत बढ़ता जा रहा है? जी, इन्होंने कभी इसको लेकर कुछ बयान नहीं दिया है कि मुस्लिमों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है। मेरा मानना है दूसरे राज्यों में मुस्लिम नाम देख करके बुलडोजर से घर ढहा दिया जा रहा है। मेरा मानना है कि जब आज तो जन स्वराज एक संगठन है, कल 2 अक्टूबर को जब पार्टी बनेगी और पार्टी जब बनेगी उसके बाद जब चुनाव प्रचार में आएंगे और जीत के जब आएंगे उस पैटर्न पर भी हम लोग काम करेंगे। काम करेंगे जी। चलिए,